हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट से इंग्लिश क्लास। यह वीडियो कंपेटिटिव इंग्लिश के लिए है, मींस इंग्लिश फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में हम आज फ्यूचर फॉर्म्स के विषय में डिस्कस करेंगे। पहले भी बात की गई है कि फ्यूचर के लिए फ्यूचर फॉर्म्स होती हैं जो फ्यूचर टाइम के लिए यूज की जाती हैं। तो आज हम फ्यूचर टाइम के लिए, जैसे प्रेजेंट टाइम के लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं एंड पास्ट टाइम के लिए वर्ब की कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर फॉर्म्स होते हैं जो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक है फ्यूचर फॉर्म्स। वे कौन कौन सी फ्यूचर फॉर्म्स हैं जो फ्यूचर टाइम के लिए यूज की जाती हैं? दे आर ऑन योर स्क्रीन। फ्यूचर टाइम इज एक्सप्रेस टू बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इन फॉर्म्स के जरिए, निम्न प्रकार के या निम्न फॉर्म्स के जरिए फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर वन, सिंपल प्रेजेंट। नंबर टू, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। नंबर थ्री, बी गोइंग टू। नंबर फोर, बी प्लस इन्फिनेटिव। एंड नंबर फाइव, मॉडल ऑक्सिलरीज शैल और विल। इनके जरिए फ्यूचर फॉर्म्स या फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। ये वे फ्यूचर फॉर्म्स है जिनके जरिए या जिनके माध्यम से फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है। दिस इज द थिंग। 4.1, सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट को समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट से कैसे फ्यूचर फॉर्म्स को एक्सप्रेस किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट, नंबर वन, सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट प्लान, प्रोग्राम और अरेंजमेंट। इसका मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट के साथ में अगर हम एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम को हम जोड़ देते हैं, एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर टाइम का बताने वाले, फ्यूचर टाइम के विषय में या को इंगित करने वाला कोई भी एडवर्ब, उसको हम फ्यूचर टाइम, एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एसओडीएस, एंड प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस और एस। तो सिंपल प्रेजेंट के साथ अगर हम कोई एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम बताने वाला, अगर हम कोई एडवर्ब उसके साथ ऐड कर दे तो फिर वह फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने लगता है। यह इस रूल में कहा जा रहा है। एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट, हियर एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट प्लान, प्रोग्राम और अरेंजमेंट। कोई डेफिनेट प्लान है या फिर कोई डेफिनेट प्रोग्राम है या फिर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट, प्रोग्राम और प्लान को वह एक्सप्रेस करता है या इंगित करता है। सिंपल प्रेजेंट, एज फॉर एग्जांपल इंडिया गोज टू द पोल्स नेक्स्ट मंथ। तो ये क्या है? या प्रोग्राम है, तीनों की इसमें एक छवि दिखाई देती है, तो इसको अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया गोज टू द पोल्स नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने इंडिया का अगले महीने चुनाव है। ये इंडिया गोज टू द पोल्स, तो एक डेफिनेट है, मीन्स इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड मतलब अब इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, ये ऑफिशियल प्लान और प्रोग्राम है, तो इसलिए ये डेफिनेट है। डेफिनेट के लिए हम इसको इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ क्या है? नेक्स्ट मंथ इज द एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम। चूंकि नेक्स्ट मंथ एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम है, इसलिए यह फ्यूचर टाइम को अब एक्सप्रेस करता है, एंड इसलिए फ्यूचर टाइम के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसी तरह से द प्राइम मिनिस्टर बोर्ड्स द बस टू लाहौर ऑन 20th। तो द प्राइम मिनिस्टर बोर्ड्स द बस टू लाहौर ऑन 20th। दिस इज व्हाट? ऑन 20th। 20th क्या है? दिस इज ऑल्सो एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम। चूंकि ये एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम है, तो इसलिए यह फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे 20 तारीख को लाहौर बस के द्वारा जाएंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का ये स्टेटमेंट है, ये उसके लिए जो प्लान बना, ये उस विषय में सेंटेंस है। तो द प्राइम मिनिस्टर बोर्ड्स द बस टू लाहौर ऑन 20th। तो ये क्या है? ये 20th से पहले कहा गया ये सेंटेंस कि 20th को हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर के लिए जाएंगे। नाउ दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम प्लस प्लान, प्रोग्राम।
यह जो कंस्ट्रक्शन है, कौन सा कंस्ट्रक्शन? सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम, यानी सिंपल प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर टाइम का कोई एडवर्ब लगा देते हैं तो ये एक कंस्ट्रक्शन बन जाता है। मतलब इस कंस्ट्रक्शन को, यानी इस कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, यानी फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। यानी फ्यूचर टाइम के साथ साथ उसका प्लान और प्रोग्राम, यानी फ्यूचर टाइम में भी फ्यूचर का प्लान और प्रोग्राम डिस्कस करने या एक्सप्रेस करने के लिए इस कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। देयरफॉर इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर फ्यूचर, इसलिए यह प्योर फ्यूचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्योर फ्यूचर क्या होता है? प्योर फ्यूचर होता है मैटर ऑफ कोर्स। मैटर ऑफ कोर्स जो चीज हमारे मेंटल डिसीजन के बिना कोई चीज अपने आप चल रही है, जैसे कल छुट्टी है, कल संडे है तो छुट्टी रहेगी, तो ये क्या, ये प्योर फ्यूचर है। इसी तरह से अगले जैसे मैंने कहा कि कोई मतलब सड़क पर वाहन दिखेंगे तो ये क्या है, ये प्योर फ्यूचर है। मैं अगले महीने 20 साल का हो जाऊंगा तो ये क्या है, ये प्योर फ्यूचर है। इसी तरह से गाड़ी 7 बजे आएगी तो ये क्या है, ये प्योर फ्यूचर है। तो इस तरह से मतलब जिसमें आप कोई आपकी वजह से कोई निर्णय चेंज नहीं हो रहा है उसको हम प्योर फ्यूचर, मतलब मैटर ऑफ कोर्स कोई चीज अपने आप चल रही है, जैसे चंद्रमा अब सूर्य छिप चुका है, अब कल सुबह निकलेगा, यानी धूप अब कल सुबह आएगी। तो कल सुबह आएगी का मतलब क्या है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम करते तो हम तो अभी जो सूर्य से कह देते आ जाओ भाई आपको जरूरत है, तो ऐसा नहीं। अब वो जो है मैटर ऑफ कोर्स है, वो ऑलरेडी अपने आप चाहे चाहो या ना चाहो, अब वो कल आएगी। आप थे या नहीं थे, चाहते नहीं चाहते, धूप आज शाम को जानी थी तो वो चली गई, तो दिस इज द मैटर ऑफ कोर्स। तो इस तरह की चीज को हम प्योर फ्यूचर कहते हैं, यहाँ पर ये समझ लेना जरूरी है। तो उस प्योर फ्यूचर का ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये उसके विपरीत होता है। जब उसके विपरीत कोई काम कहना है, मतलब जब हमको ये कहना है कि हमारा प्लान और प्रोग्राम और अरेंजमेंट है और ये फेल होने वाला नहीं है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंपल सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा थोड़ा सा मूव कर गया, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, तो मतलब हम ऐसे सेंटेंसेस नहीं कह सकते, जैसे हमने कहा कि अब सूर्य सुबह निकलेगा तो सन विल राइज, हम ऐसे तो कह सकते हैं, बिकॉज थर्ड थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल आता है, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल आता है, आई और बी के साथ शैल, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ प्योर फ्यूचर बताने के लिए विल आता है। तो सन विल राइज इन द मॉर्निंग की जगह सन राइजेज इन द मॉर्निंग हम नहीं कह सकते। अगर हम सन राइजेज इन द मॉर्निंग कहते हैं तो इसका मतलब है दिस इज द रूटीन ऑफ सन, मीन्स एवरी मॉर्निंग इट राइजेज इन द सन, ठीक है। मतलब हम ये फ्यूचर के लिए नहीं कह सकते, ये फ्यूचर का नहीं होगा, इसका मतलब है कि ऑल द टाइम व्हेन एवर मॉर्निंग हैपन्स सन राइजेस, इट हैज हैपन्ड एवरी ईयर, इट हैज हैपन्ड इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड इन कमिंग टाइम इट विल कीप हैपनिंग। तो इसलिए मतलब ये रूटीन हो जाएगा, हाँ, ये प्योर फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज सिंपल प्रेजेंट इज नॉर्मली प्रेफर्ड टू सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर की तुलना में, सिंपल फ्यूचर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, दैट इज आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो इसको हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। सिंपल फ्यूचर की तुलना में सिंपल प्रेजेंट को प्रेफर किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट इज नॉर्मली प्रेफर्ड टू सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर की तुलना में सिंपल प्रेजेंट को प्रेफर किया जाता है, यानी पसंद या उसका चुनाव किया जाता है। इन फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स, फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में, फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स में सिंपल फ्यूचर की जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेफर किया जाता है, यानी का चुनाव किया जाता है, को महत्व दिया जाता है, क्योंकि क्यों दिया जाता है महत्व, क्योंकि सिंपल फ्यूचर इंडिकेट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, क्योंकि जो सिंपल फ्यूचर है वो केवल एक प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब एक अनुमान या पूर्वानुमान या पूर्व घोषणा हुआ करता है, पूर्वानुमान लगाता है, वह केवल एक मतलब अनुमान होता है, प्रेडिक्शन होते हैं, मैंने भविष्यवाणी जैसा
होता है वह कोई डेफिनेशन नहीं होती उसमें, नॉट अ प्लान और प्रोग्राम अरेंज्ड ऑलरेडी, मतलब जो प्लान और प्रोग्राम ऑलरेडी अरेंज किया जा चुका है उससे रिलेटेड कोई बात उसमें नहीं होती, ऐसा कोई सर्टनिटी नहीं होती उसमें, वो केवल मतलब विल वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो एक प्रिडिक्शन मात्र होते हैं, इसलिए इसीलिए फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट को महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, सिंपल फ्यूचर को नहीं दी जाती है। अगर हम कहते हैं द प्रेजिडेंट विल लीव फॉर जर्मनी टुनाइट, ये एक सिंपल प्रिडिक्शन है, इंडिकेटिंग लाइकलीहुड, मतलब हो सकता है, सिर्फ ये दिखाती है ये। लेकिन द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर जर्मनी टुनाइट, इसका मतलब है कि प्रेजिडेंट आज रात जर्मनी जाएंगे ही जाएंगे, दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ए डेफिनेट प्लान इंडिकेटिंग सर्टनिटी, ये एक डेफिनेट निश्चित प्लान है जो कि सर्टनिटी यानी कि निश्चितता को दिखाता है, तो जाएंगे ही जाएंगे। विल फिर से देख लीजिए, विल सिर्फ एक प्रिडिक्शन दिखाता है, फिर सिर्फ एक अनुमान या पूर्वानुमान या पूर्व घोषणा दिखाता है, लेकिन उसमें सर्टनिटी नहीं है, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्ट करते हैं हम केवल कि ऐसा होगा, भविष्य के विषय में अनुमान बताता है, लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं तो ये सर्टनिटी बताता है कि ये चीज हमारे द्वारा अरेंज की गई है, हर चीज पर हर पॉइंट पर ध्यान रखा गया है और हर चीज स्मूथली कंडक्ट की जाएगी, ये इसमें इसमें इसका भाव रहता है या फीलिंग रहता है, तो इसलिए सिंपल फ्यूचर की जगह पर सिंपल प्रेजेंट ही फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो यूज्ड टू रेफर टू अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस इंडिकेटिंग टूर प्रोग्राम्स और अरेंजमेंट्स, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज उसके लिए भी किया जाता है, किसके लिए, टू रेफर अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस, फ्यूचर में कोई सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शंस होना है, मतलब फ्यूचर में कुछ एक्शंस हैं और वो एक सीरीज में होने, सीरीज का मतलब वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, तो एक्शन के बाद एक्शन, एक्शन के बाद एक्शन है, तो ऐसे ऐसी सीरीज को इंडिकेट करने के लिए, और ये सीरीज किस में होती है, किसी टूर टूर में होती है या किसी प्रोग्राम मतलब टूर के किसी प्रोग्राम में होती है, अरेंजमेंट में होती है, तो उसको दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं किया जाता। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, हम फ्यूचर फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, फ्यूचर फॉर्म में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्मल और ऑफिशियल प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है, एंड ये ऑफिशियल प्रोग्राम्स को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। फिर है कि हम विल और विल वाला मतलब विल का हम प्रयोग या सिंपल फ्यूचर का हम प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो केवल एक प्रिडिक्शन दिखाते हैं एंड सिंपल प्रेजेंट सर्टेनिटी दिखाते हैं। इसी तरह से थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ सीरीज, तो इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसमें सीरीज में जो एक्शंस है उनको दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रेजिडेंट लैंड्स एट 8 AM, ये पहला एक्शन हो गया। नेक्स्ट संडे इनोग्रेट्स द साइंस कांग्रेस एट 9 AM, ये दूसरा एक्शन हो गया। एंड मीट्स अ डेलीगेशन ऑफ साइंटिस्ट एट 2 PM, ये तीसरा एक्शन हो गया। अटेंड्स अ रिसेप्शन एट 4 PM, ये चौथा एक्शन हो गया। एंड फ्लाइज बैक टू दिल्ली इन द इवनिंग, ये पांचवा हो गया। तो इसी तरह से एक के बाद एक के बाद एक 20 पावर पैक्ड प्रोग्राम्स हम इनको कह सकते हैं कि मतलब लगे हुए प्रोग्राम्स हिंदी में कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज ऑफ द प्रोग्राम्स। तो इस तरह की सीरीज ऑफ द प्रोग्राम्स दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, लाइव कमेंट्री में जिस तरह से प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसी तरह से यहाँ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीरीज ऑफ एक्शंस दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर से देख लीजिए, द प्रेजिडेंट लैंड्स एट 8 AM नेक्स्ट संडे, अभी पहुंचे नहीं है वहां पर, सिर्फ पहुंचेंगे उसका हम पहले से प्रोग्राम बता रहे, लैंड्स एट 8 AM नेक्स्ट संडे, इनोग्रेट्स द साइंस कांग्रेस एट 9 AM, मीन्स अ डेलीगेशन ऑफ साइंटिस्ट एट 2 PM, अटेंड्स अ रिसेप्शन एट 4 PM एंड फ्लाइज बैक टू दिल्ली इन द इवनिंग। तो ये कितना हो गया, वन एंड टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव प्रोग्राम्स दोबारा से देख लीजिए हो गए और एक सीरीज में बताए गए, तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स बताने के लिए हम सिंपल
प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, यही यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सर्टन एंड श्योर प्रोग्राम्स, फ्यूचर प्रोग्राम्स बताने में। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट में देखिए दो चीज़ों का महत्व है। सिंपल प्रेजेंट हम फ्यूचर प्रोग्राम्स या फ्यूचर फॉर्म के रूप में फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर प्रोग्राम्स में यूज़ करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट के साथ एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो फ्यूचर फॉर्म के लिए नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात है कि सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो हम सर्टन और डेफिनेट प्लान्स और प्रोग्राम्स को इंडिकेट करने के लिए कर रहे हैं, फॉर्मल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए कर रहे हैं। एंड यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का हम इसलिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन दिखाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम मिलकर के डेफिनेट प्लान और प्रोग्राम दिखाते हैं, यानी सर्टनटी निश्चितता दिखाते हैं, मतलब ये दिखाते हैं कि सब कुछ हमारे द्वारा प्लान किया गया है, ये बताते हैं। एंड इसी सिंपल प्रेजेंट से ही सीरीज ऑफ एक्शंस भी बताई जाती है, इसमें भी हम यही बताते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही है कि ये सारा जो प्रोग्राम है वो हमारे द्वारा हुआ है, और जब हम विल का कहते हैं तो विल का मतलब है कि ये प्रोग्राम हमारे द्वारा निश्चित नहीं हुआ है, हमारे द्वारा निश्चित नहीं हुआ है और ये अपने आप चलेगा, ये कहने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाउ। एंड नाउ दूसरी जो फॉर्म है फ्यूचर टाइम के लिए, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जब हमने टेंस पढ़ाया है तो उसमें भी आया था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर प्लान्स और प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है। द सेम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज अगेन हियर फ्यूचर प्लान्स और प्रोग्राम्स के लिए। तो इसमें भी देखिए जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में हम एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम का महत्व है, एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम जिस तरह से हम उसमें यूज करते हैं उसी तरह से एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो फिर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा, मतलब ये फ्यूचर फॉर्म नहीं रहेगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो रहेगा, आई एम सॉरी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहेगा लेकिन ये प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म में नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ यहाँ भी हम एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम यूज करते हैं। तो 4.2 प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फर्स्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट प्लान प्रोग्राम अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करता है अ डेफिनेट प्लान, यानी एक निश्चित प्लान को एक्सप्रेस करता है, प्रोग्राम को एक्सप्रेस करता है, और अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में हमने कोई अरेंजमेंट किया है, कोई प्रोग्राम बनाया है या उसका हमारा कोई डेफिनेट प्लान है, इनको यह एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लस एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड दिस इवनिंग, मतलब मैं बोर्ड के चेयरपर्सन को आज शाम को मिल रहा हूँ। दिस इज वॉट, दिस इज अ डेफिनेट प्लान। आई एम सीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड दिस इवनिंग, यानी मैं शाम को बोर्ड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड यानी बोर्ड के चेयरमैन से आज शाम को मैं मिल रहा हूँ। आई एम अ मीटिंग माई फ्रेंड दिस इवनिंग, मैं आज अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग अ मैच टुमारो, कल मैं एक मैच खेल रहा हूँ। माई फादर इज लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, मेरे पिताजी आज रात मुंबई जा रहे हैं, मुंबई के लिए निकलेंगे, ये बात कहने के लिए। तो दिस इज वॉट, दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर फ्यूचर टाइम। फिर से फ्यूचर टाइम के लिए फॉर्म्स यूज की जाती हैं, हमने बात की है फ्यूचर टाइम के लिए। एक तो फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाती है, एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज की जाती है, बी गोइंग टू बी फ्यूचर फॉर्म की तरह यूज होती है और उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक पॉइंट हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का डिस्कस किया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब डेफिनेट प्लान्स और प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है, एंड इसके साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए। सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ऑलवेज यूज्ड विद एन एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टाइम। ये ताकि प्रेजेंट टाइम के लिए जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए हो रहा है या फ्यूचर टाइम के लिए हो रहा है इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए प्रेजेंट
के साथ हमेशा उसके साथ फ्यूचर टाइम को बताने वाला एक एडवर्ब जरूर जरूर होता है। जैसे वी आर प्लेइंग अ मैच, वी आर प्लेइंग अ मैच, इसमें कोई एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम नहीं है, बिकॉज एडवर्बल ऑफ फ्यूचर टाइम नहीं है तो ये किसके लिए हो गया, ये प्रेजेंट टाइम के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ वी आर प्लेइंग अ मैच टुमारो, तो इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम होने के कारण ये फ्यूचर टाइम के लिए यूज होने लगा, और इसलिए इसको हम फ्यूचर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड एज अ फ्यूचर फॉर्म एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड एज अ फ्यूचर फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू शो और टू एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स प्रोग्राम्स इन फ्यूचर, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट और एक्सप्रेस ऑफिशियल प्लान, ऑफिशियल नहीं बल्कि बल्कि डेफिनेट प्लान्स प्रोग्राम। आप चूंकि यहाँ पे ऑफिशियल मैंने कह करके कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, जो कि ऑफिशियल मुझको नहीं कहना चाहिए था, तो यहाँ पर आगे भी ये बात आएगी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन यहाँ पर मैं यह बता दूँ कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में डिफरेंस क्या है। सिंपल प्रेजेंट में हमेशा ऑफिशियल, वो भी डेफिनेट प्लान्स को एक्सप्रेस करता है, सिंपल प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी डेफिनेट प्लान्स को एक्सप्रेस करता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में जो प्लान्स डिस्कस किए जाते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो डेफिनेट प्लान्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये इनफॉर्मल होते हैं, वो फॉर्मल ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में फॉर्मल ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं, एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में डेफिनेट होते हैं लेकिन इनफॉर्मल होते हैं। फिर से सुन लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में ऑफिशियल प्रोग्राम्स, ऑफिशियल फॉर्मल ऑफिशियल प्रोग्राम्स या अनाउंसमेंट्स होते हैं जो डेफिनेट और सर्टन होते हैं, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी डेफिनेट एंड सर्टन प्लान्स और प्रोग्राम्स फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार ये समझ लीजिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी हम क्या कहना चाहते हैं। हम जो सिंपल प्रेजेंट में जो प्रोग्राम्स, डेफिनेट प्लान्स और प्रोग्राम्स फ्यूचर के लिए जो बनाए जाते हैं वो ऑफिशियल होते हैं, यानी कि उन प्लान्स को जो एक्सिक्यूट करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन प्लान प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ने नहीं बनाया है, प्लान्स तो उनके जो भी सेक्रेटरी हैं और ऑफिशियल्स हैं उनने सबने मिलकर के, और जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ के लोगों ने मिलकर के वो प्रोग्राम तय किया है। सिर्फ बाद में उसकी समरी या ब्रीफिंग होगी प्राइम मिनिस्टर को कि ये प्रोग्राम है इस तरह से, और इस तरह से उसको एक्सिक्यूट करने वाले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जो इनफॉर्मल प्रोग्राम्स, डेफिनेट और इनफॉर्मल प्रोग्राम्स हैं, वो ये प्रोग्राम्स हैं कि वो हैं तो सर्टन, लेकिन उनका जो डिसीजन है उसके इन्वॉल्वमेंट में हम अर्थात कहने वाला खुद शामिल है। जैसे मैंने कहा कि आई एम सीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड दिस इवनिंग, यानी कि चेयरपर्सन से मिलने का ये डिसीजन मेरा है, और अगर इसमें चेयरपर्सन की सहमति ली गई है तो इसमें चेयरपर्सन इन्वॉल्व है और मैं इन्वॉल्व हूँ। चेयरपर्सन ना भी इन्वॉल्व हो तो उनके सेक्रेटरी इन्वॉल्व हो, लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ आई एम सीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड दिस इवनिंग, तो मैं तो इन्वॉल्व हूँ ही। सो इस तरह से ये है तो डेफिनेट, यानी कि ये प्रोग्राम पक्का है। जैसे मैंने कहा कल मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, चलना हो तो चलो आप भी, तो इट मीन्स मेरा तो डेफिनेट प्लान और प्रोग्राम है, और चूंकि मैंने ही बनाया है, मैं ही आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से इनफॉर्मल हो गया। अगर मेरे सेक्रेटरी बनाते हैं और वही बता रहे हैं, वही अनाउंस कर रहे हैं, तब ये फॉर्मल हो जाता है और ऑफिशियल हो जाता है, तो इस अंतर को समझेंगे। तो इस तरह से जो ऑफिशियल है वो सिंपल प्रेजेंट, और जो ऑफिशियल नहीं है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ऑलवेज यूज्ड, मैं सेकंड पॉइंट पर दोबारा से आ गया हूँ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ऑलवेज यूज्ड विद एन एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम, ये हमेशा फ्यूचर टाइम के साथ यूज होता है ताकि इनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी आर प्लेइंग अ मैच, तो अगर हम केवल या एडवर्ब ऑफ फ्यूचर टाइम यूज नहीं किया तो प्रेजेंट टाइम हो गया, एंड वी आर प्लेइंग अ मैच टुमारो अगर हमने कह दिया तो इसमें टुमारो फ्यूचर टाइम दिखाने वाला एडवर्ब हो गया, तो ये फ्यूचर टाइम का प्लान और प्रोग्राम हो गया। वी आर प्लेइंग अ प्लान मैच का मतलब ही हो गया कि ये प्लान मैच खेलने का निर्णय हमने लिया है और ये सर्टन है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी गोइंग टू। अब इसके बाद 4.3 पॉइंट है कि बी गोइंग टू, दिस इज अ फॉर्म। तो बी गोइंग टू किसके लिए यूज होता है? पॉइंट 1, गोइंग टू एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम। गोइंग टू से हम क्या करते हैं? फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करते हैं।
दिस फॉर्म इज यूज वेन सम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन इज इंटेंडेड या एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस. ये फॉर्म तब यूज की जाती है जब कोई फ्यूचर प्लान, वेन सम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन, किसी एक्शन का फ्यूचर प्लान इज इंटेंडेड. इंटेंडेड मतलब कि डिसाइडेड, इंटेंट का मतलब होता है वांटेड, और एक्सपेक्टेड यानी पूर्व रूप से उसकी उम्मीद की जाती है. टू टेक प्लेस, पहले से ही उसका अनुमान लगाया जाता है घटित होने का, उसके लिए हम ये गोइंग टू का यूज करते हैं. जैसे मिस सेन गुप्ता हैज सेव्ड इनफ मनी, मिस सेन गुप्ता ने काफी अपना पर्याप्त पैसा बचाया है. शी इज गोइंग टू बाई अ मारुति 800 नेक्स्ट वीक. तो वो जो है अगले वीक मारुति 800 खरीदने जा रही है. तो इसका जो पूर्वानुमान कहाँ पर है, मिस सेन गुप्ता हैज सेव्ड इनफ मनी, ये जो है ये इसका पहले से बनाया हुआ कार्यक्रम है और इसी से अनुमान लगाया जा रहा है. शी इज मीन्स इसी प्रोग्राम से ये प्रोग्राम जन्म लेता है. शी इज गोइंग टू बाई अ मारुति 800 नेक्स्ट वीक. तो इसमें विल ना यूज करके हम गोइंग टू यूज करते हैं. फिर से पॉइंट पढ़ लीजिए. फर्स्ट, गोइंग टू एक्सप्रेस इज फ्यूचर टाइम. गोइंग टू से फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस होता है, या गोइंग टू फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है. दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन सम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन इज इंटेंडेड. यह फॉर्म तब प्रयोग की जाती है जब कोई फ्यूचर प्लान एक्शन का फ्यूचर प्लान, जब किसी एक्शन का फ्यूचर प्लान इंटेंड होता है. इंटेंड मतलब, इंटेंड मीन्स आई वॉन्ट समथिंग टू हैपन, और आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और आई वॉन्ट समथिंग टू टेक प्लेस, मैं चाहता हूं कि कुछ घटित हो. तो इंटेंडेड, तो जब कोई एक्शन इंटेंडेड होता है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब अनुमानित होता है, या एक्सपेक्ट होता है थिंक इन एडवांस, किसी चीज के विषय में पहले से सोच लेना, उसको हम एक्सपेक्ट करना कहते हैं. तो तब ये मतलब जब पहले से हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं, इंटेंडेड करते हैं. दिस फॉर्म इज यूज वेन सम फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन इज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, जब तब हम इस फॉर्म को यूज करते हैं. सो मिस सेन गुप्ता हैज सेव्ड इनफ मनी, शी इज गोइंग टू बाई मारुति 800 नेक्स्ट वीक. वो अगले वीक में मारुति ने 800 नेक्स्ट वीक खरीदने वाली हैं या खरीदने जा रही हैं. ठीक. वी हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, हमने अपने सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दिया. क्यों कर दिया है, वट इज द रीजन? तो बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर सन्स बर्थडे टुमारो, क्योंकि हम हमारे बेटे का बर्थडे कल मनाने जा रहे हैं. तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, पहले से एक्सपेक्टेड है ये, और पहले से अनुमानित है, या पहले से इंटेंडेड है ये. तो चूंकि इंटेंडेड है फ्यूचर के लिए और अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, इसलिए हमने क्या है, हमने वी हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स. तो इसलिए इस ये जो अनुमानित है, तो अनुमानित ये बताने के लिए ये काम हमने कर दिया है, और इसके बेस पर हम जो है, बिकॉज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इसको बताने के लिए कि ये हमारा प्लान है, पहले से इंटेंडेड है. इस पहले से बने हुए प्लान को हम एक्सपोज करते हैं या रिवील करते हैं, तब हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू, मीन्स तब हम गोइंग टू वर्ब को हम यूज करते हैं. ठीक है. एंड नाउट, विल इज नॉट यूज वेन इंटेंशन और प्लानिंग इज इंडिकेटेड. जब कोई इंटेंशन दिखाई जाती है या प्लानिंग दिखाई जाती है, तब विल का यूज नहीं किया जाता है. विल डिनोट्स सिंपल फ्यूचर, विल जो है सिंपल फ्यूचर को दिखाता है, यानी प्लानिंग और इंटेंशन होती है वो सिंपल फ्यूचर का पार्ट नहीं होती है. गोइंग टू यूजली रिफर्स टू इमीडिएट और फेयरली इमीडिएट फ्यूचर. गोइंग टू इमीडिएट फ्यूचर को, या फेयरली मतलब थोड़ा सा उसके बाद, दैट इज फेयरली मतलब तुरंत, जो इमीडिएट फ्यूचर होता है, इमीडिएट फ्यूचर को गोइंग टू दिखाता है, यानी तुरंत होने वाली घटनाओं के लिए यूज किया जाता है. बट विल कैन रेफर इमीडिएट और डिस्टेंट फ्यूचर, लेकिन विल जो है वो इमीडिएट और डिस्टेंट फ्यूचर दोनों ही टाइप के फ्यूचर को विल इंडिकेट करता है. आई एम गोइंग टू टेक अ हाउसिंग लोन दिस मंथ, ये मतलब नियर फ्यूचर हो गया. एंड आई विल टेक अ हाउसिंग लोन दिस मंथ, ऐसे कहा जा सकता है, और आफ्टर 2 ईयर्स ऐसे भी कहा जा सकता है. तो विल जो है वो मतलब कितना, किसी भी टाइम के लिए अनुमानित होता है या दिखाता है, लेकिन गोइंग टू सिर्फ इमीडिएट और डिस्टेंट, इमीडिएट फ्यूचर को ही दिखाता है, विल डिस्टेंट फ्यूचर को भी दिखा सकता है.
पॉइंट सी, गोइंग टू कम, गो इज यूजुअली अवॉइडेड, क्योंकि गोइंग का मतलब यहाँ गोइंग पहले से ही आ रहा है, तो गोइंग टू कम, गोइंग टू गो, इस तरह के सेंटेंसेस हमको नहीं बनाना चाहिए। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पर शी इज गोइंग, तो या शी इज गोइंग होम टू नाइट, इस तरह से ऐसे नहीं कहा जा सकता शी इज गोइंग टू गो होम टू नाइट, ऐसे नहीं कहना चाहिए। एंड ही इज कमिंग बैक टूडे, ये कहना चाहिए। ही इज गोइंग टू कम, ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो पहले से आपने प्लान बना रखा है और उसी प्लान को रिवील करते हैं कि ये क्यों कर रखा है। जैसे उसमें कहा गया कि शी हैज डिपॉजिटेड और सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई हैज शी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज अ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का आंसर है शी इज गोइंग टू बाई अ मारुति 800 कार। इसी तरह से शी हैज इन्वाइटेड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, तो क्यों इन्वाइट किए हैं ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स या ऑल ऑफ नेबर्स, वी हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, क्यों इन्वाइट किए ऑल आवर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर सन्स बर्थडे। तो ये इमीडिएट फ्यूचर को दिखाता है और इंटेंडेड प्लान और प्रोग्राम्स को दिखाता है। पॉइंट डी इज, गोना इज एन इलेप्टिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई एम गोइंग टू। इलेप्टिकल का मतलब होता है जिसमें से कुछ लेटर्स छोड़ दिए जाते हैं, तो ये क्या है, आई एम गोइंग टू का ये शॉर्ट फॉर्म होता है गोना। तो यूज ओनली इन इनफॉर्मल स्पीच, ये एकदम इनफॉर्मल स्पीच में यूज किया जाता है, ये हर जगह यूज करने वाला वर्ड नहीं होता है। जब बहुत ही इनफॉर्मली आप कहीं बात कर रहे होते हैं तभी, जैसे गोना वॉच अ मूवी, गोना वॉच अ मूवी मीन्स आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, लेकिन ये हर जगह नहीं है। जिस तरह से बच्चे हर जगह यूज करते हैं, टीचर से भी आई एम गोना डू दिस, इस तरह से बात नहीं की जाती है। गोना मीन्स बहुत ही जनरली आप फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत ही फॉर्मल मार्केट में या इस तरह की इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज, नाउ नोट, गोइंग टू इज नॉट यूज विद कंडीशनल्स, विल इज ऑलवेज प्रेफर्ड। यदि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको यूज करना है तो वहां गोइंग टू का यूज नहीं होता है, वहां केवल विल को ही यूज किया जाता है। इफ यू रीड दिस बुक यू विल गेट मैनी यूजफुल टिप्स, यहां पर इफ यू रीड दिस बुक, दिस इज वॉट, ये कंडीशनल है, जहां इफ आ जाता है। इफ का मतलब क्या, इन दैट केस और ऑन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन। तो इफ यू रीड दिस बुक, यानी अगर तुम ये बुक पढ़ोगे यू विल गेट मैनी यूजफुल टिप्स, तो यहां पर यू आर गोइंग टू गेट, ऐसे नहीं कहा जा सकता है, यू विल गेट मैनी यूजफुल टिप्स, तो है ये भी एक तरह से कंडीशनल है, लेकिन कंडीशनल में किस तरफ जा रहा है, ये प्योर फ्यूचर की ओर ही इसका इशारा होता है, क्योंकि ये कंडीशन प्योर फ्यूचर का ही निर्माण करती है। आप समझ करके देखिए, मैंने कहा कि अगर तुम मेरे पैसे उधार, अगर तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो सीधी सी बात है, जब मेरे पैसे हो जाएंगे तो नेचुरली आप, हम आपको माफ कर ही देंगे, फिर हम आपके विषय में क्या शिकायत रखेंगे अपने मन में। तो इस तरह से फ्यूचर फॉर्म को ही, ये प्योर फ्यूचर फॉर्म को ही कंडीशन में दिखाने लगता है, अगर ये होगा तो ये होगा। सो दैट इज ऑल। एंड नाउ इज बी प्लस इन्फिनेटिव, बी प्लस इन्फिनेटिव इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ फ्यूचर फॉर्म्स। तो बी प्लस इन्फिनेटिव किस चीज के लिए यूज किया जाता है, बी का मतलब होता है एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम, ये कंस्ट्रक्शन फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है, और फ्यूचर टाइम के साथ प्लान और अरेंजमेंट, नॉट मियर फ्यूचरिटी, मतलब कि सिर्फ ये फ्यूचर की फीलिंग्स को नहीं दिखाता है या फ्यूचर के भाव को नहीं दिखाता है, उसके प्लान और अरेंजमेंट को भी दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसेज हेमलता इज टू गिव अवे द प्राइजेस, यानी मिसेज हेमलता को प्राइजेस देने हैं, यानी ये फ्यूचर प्लान है। लेकिन ये फ्यूचर प्लान क्या है, तुरंत वाला ही, इमीडिएट फ्यूचर का ही ये फ्यूचर प्लान है। तो मिसेज हेमलता इज टू गिव अवे द प्राइजेस, यानी मिसेज हेमलता को प्राइजेस देने हैं। माई डॉटर इज टू गेट मैरिड टुमारो, मेरी बेटी की कल शादी होनी है या मेरी बेटी को कल शादी करनी है। सो दिस इज, ये क्या है, ये फ्यूचर प्लान है और अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट के विषय में हम कहते हैं। एम इज आर,
तो ये जो एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव का मतलब फिर से देख लीजिए क्या है। जैसे यहाँ हेमलता इज टू, तो इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यहाँ इन्फिनेटिव कहते हैं। सेकंड पॉइंट में भी एम इज आर प्लस अबाउट या जस्ट अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, यहाँ भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इन्फिनेटिव का मतलब। तो दिस कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसेस इमीडिएट फ्यूचर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है अबाउट और जस्ट अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, ये तुरंत और इमीडिएट फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए ही इसका भी यूज किया जाता है। जैसे द गेम इज अबाउट और जस्ट अबाउट टू बिगिन, हिंदी में इसको कहते हैं कि इंग्लिश में कहेंगे द गेम इज वेरी क्लोज टू बिगिन, मतलब शुरू होने के काफी नजदीक है। एंड इंग्लिश हिंदी में कहेंगे द गेम इज अबाउट टू बिगिन, मतलब गेम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जस्ट अबाउट टू बिगिन मतलब किसी भी समय पर शुरू होने वाला है। द इंडस्ट्री इज अबाउट टू डू अ टर्न अराउंड, इंडस्ट्री जो है वो काफी कुछ बदलाव करने वाली है। और द इंडस्ट्री इज वेरी क्लोज टू डू अ टर्न अराउंड, राइट। एंड इसके बाद है अब फ्यूचर टाइम का आगे है, तो फ्यूचर टाइम के लिए अब ये बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करता हूँ। बी प्लस इन्फिनिटिव फ्यूचर फॉर्म्स में हमने चार चीज़ों को हमने पढ़ा। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को पढ़ा, फिर गोइंग टू प्लस इन्फिनिटिव या गोइंग प्लस इन्फिनिटिव या गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को पढ़ा, एंड देन उसके बाद बी इन्फिनिटिव को पढ़ा। ये चार फॉर्म तो है, एंड पांचवी जो फॉर्म है वो विल शैल के साथ ही है फ्यूचर फॉर्म। तो वो जो विल शैल के साथ है वो पूरा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट पूरा है। तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।